रॉकिन और रानी, दोस्तों मैं झटके में आया देखा, लेकिन एक मित्र जो है आज बहुत दिन के बाद मिले और बहुत ख़ास मित्र हैं। चलिए उनका जो है मैं रिव्यू लेता हूं और उन्होंने भी साथ में देखे, तो चलिए मैं आपसे उन्हें मिलाता हूं। बहुत ज़बरदस्त हैं और कई सालों से, मेरे से भी हो सकता पहले से देखते, तो चलिए मैं आपसे मिलाता हूँ। आप हमेशा उन्हें देखते होंगे, राजन सर से। सर, आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आपने देखी और मैं भी था और आप भी थे, फर्स्ट बहुत मेहनत करके एकदम बारिश में देखते हुए आए देखे, तो सर आपको कितनी अच्छी लगी, नहीं लगी, बुरी लगी, कितनी कहाँ तक ये मूवी क्या है और करण जौहर का कितना मेहनत? अगर एक वर्ड में मुझे ये मूवी को डिस्क्राइब करना है तो इट्स अ ब्लॉकबस्टर। पहले तो आप देखिए कि ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी कितनी थी, 70-80%, वो भी ऐसे मौसम में, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 20-25% और लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी डायलॉग्स के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, तो इट इज़ एन आउट एंड आउट ब्लॉकबस्टर। इसको ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी गदर 2 आने में भी 2 हफ्ते हैं, तो आई थिंक करण जौहर इज़ बैक। कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, उनको आज तक लोग फैमिली एंटरटेनर्स में याद रखते हैं, तो आई थिंक उनका जादू फिर से छा गया। और मेरे साथ भी जो ऑडियंस बैठी थी ऊपर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, यंगस्टर्स थे ज़्यादा, यंग लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और मूवी में सीजनड एक्टर्स पे जैसे धर्मेंद्र जी, शबाना आजमी जी, जया बच्चन जी, उनको देख कर भी बहुत हार्ट वार्मिंग लगा। मतलब आपको जो है ये लगा कि पुराने एक्टर को लिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब मूवी में सब कुछ अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, स्टोरी बहुत अलग है। बिल्कुल, एक बार फिर से उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। पहली बात तो ये मूवी कहीं भी एक मिनट के लिए भी बोरिंग नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक बांध के रखती है, 3 घंटे के आसपास की मूवी है। और जितने भी किरदार है बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, रणवीर सिंह हो या आलिया भट्ट हो, रणवीर सिंह तो एक वर्सेटाइल है कि कोई भी उनसे रोल करवा लीजिए वो बहुत ही ज़्यादा अपना हार्ट एंड सोल डाल देते हैं, तो एज़ ऑलवेज ही इज़ फिनोमिनल इन हिज रोल। और उसके साथ साथ आलिया भट्ट भी बहुत ग्रेसफुल लगी, बहुत एलिगेंट लगी, बहुत उनका रोल स्टर्न है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और मूवी में बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, भले ही वो नहीं, मतलब वो तो है, लेकिन ओरिजिनल में जो प्रीतम ने दिया, तुम क्या मिले, ढिंडोरा, कितने वर्ल्ड क्लास, मतलब वो गाने इतने अच्छे, ढिंडोरा हो या तुम क्या मिले हो या फिर चुमका, पुराने गाने तो है लेकिन नए गाने भी कितने अच्छे थे। और डायरेक्शन कितना अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी कितनी अच्छी है मनुष्य नंदन की, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन, बहुत ही ग्रैंड सेट्स, मतलब विजुअली बहुत अपीलिंग है, देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा सब कुछ। और लोग कितना इन्जॉय कर रहे थे, कितनी तालियाँ बज रही थी, तो वो अपने आप में साउंड, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर कुछ एक आध क्रिटिक अगर बुराई भी कर देंगे तो करण जौहर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आलिया और रणवीर नंबर वन हैं और रहेंगे, चाहे उनके बीच में कोई मूवी सक्सेसफुल ना हो, इतने वाइड रेंज ऑफ रोल्स करते हैं और कहीं भी हर जगह अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अच्छा सर, ये आलिया भट्ट का जो है, आलिया भट्ट का जो है ऑलरेडी उनका जो है मेरे शादी हो चुकी है, इसके बावजूद भी उन्होंने तो क्या हुआ, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अगर आप शबाना, आपको आपने दुनिया देखी नहीं है, अगर आप शबाना आजमी की मूवीज़ देखेंगे ना हॉलीवुड की, तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। नहीं नहीं, आपने हॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखी, अगर उनकी अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे शबाना आजमी की, तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो वो ये सभी एक्टर्स बोल्ड हैं, जहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम आता है वहाँ पे ये सब किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी सीन कर लीजिए, आप किस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं वो मायना रखता है। तो ये तो धक्यानुची, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अच्छा। तो जिस भी तरह की कॉस्ट्यूम्स है उसमें भी क्रिएटिव लिबर्टी ली है करण जौहर ने। आज के दौर में सब कुछ चलेगा भैया। अच्छा, सब कुछ चलेगा, मतलब आपको पूरा 100% ये मूवी पसंद? बिल्कुल, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर और लोग 2 बार 3 बार देखेंगे। ऑडियंस से क्या कहेंगे? ऑडियंस इतना इन्जॉय कर रही थी, मैंने बोला एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तालियां मार रहे थे। जो मोनोलॉग था, एक वो हरे रंग का कुर्ता पहना था, उसमें मोनोलॉग है रणवीर सिंह का, या डोला रे डोला पे जो उन्होंने डांस किया है, कोई एक्टर है आज जो इतना अच्छे से कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद आई, अभी आज अगर 3-4 मूवीज में नाम लेते हम लोग, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, आज रॉकी और रानी भी उसमें शामिल हो जाएगी। बिल्कुल, तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो इस मूवी को आप, मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार्स जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू।